आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना देव? हाँ बर्क, मुझे तुम्हारी बात क्या, तुम्हारे कहे एक शब्द पर भी विश्वास नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है बरखा कि राधिका तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करे, क्योंकि राधिका आज सुबह से घर पर ही है, अभी भी कहीं आसपास ही गई हुई है। किसी ने सच कहा है, प्यार में लोग अंधे हो जाते। आपको सच ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है? मुझे सच ही दिखाई देता है बरखा, और सिर्फ सच ही सुनाई देता है। तो आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूं? ये घाव, ये कीचड़, ये मिट्टी से सने कपड़े सब मैंने किया है। आपको सबूत चाहिए तो उन मजदूरों से जाकर पूछे जिन्होंने मुझे गड्ढे से निकाला था, जहां राधिका ने मुझे पहुंचाया था। और राधिका ऐसा पहले भी कर चुकी है तो अब क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि राधिका बदल चुकी है बरखा। ये वो राधिका नहीं है जिसके मन में तुम्हें लेकर कोई शक था। ऐसा आपको लगता है देव? मुझे यकीन है कि उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बस करो बरखा, बस करो। मैं अपनी राधिका को जानता हूं, वो तुम्हें मारने की घिनौनी हरकत क्यों करेगी? और ये मेरा विश्वास है अपनी राधिका पर, अपने प्यार पर। अरे बरखा, ये क्या हाल बना रखा है? राधिका, और बरखा का ये कहना है इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुमने किया है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसने मुझे मारने की कोशिश की। वो कहीं बाहर से आई है, फिर भी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है देव? राधिका मंदिर से वापस आ रही है बरखा। हर सवाल का जवाब देव क्यों दे रहा है? ये नकली राधिका भी तो कुछ बताए। मुझे लगता है राधिका को अपनी बात रखनी चाहिए, पर क्या आप लोग राधिका की बात सुनना चाहेंगे? हाँ राधिका, हम सब सुनेंगे, बशर्ते तुम सच बोलो। राधिका मंदिर गई थी, कान्हा मंदिर, दर्शन के लिए, क्योंकि आज से राधिका के जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। झूठ बोल रही है ये, वहां थी घाटी के पास जहां से मेरी ये हालत की है। राधिका एक समय पर दो जगह कैसे हो सकती है बरखा? ये भूत दो क्या, 100 जगह एक साथ हो सकती है? बरखा समझ ही नहीं रही है। मुझे मारने की कोशिश करके तुम भोली बन रही हो? ये नाटक कर रही है देव। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये नाटक है? वही तो मैं सबसे पूछना चाहती हूं कि मैं राधिका पर झूठा इल्जाम क्यों लगाऊंगी?
ताकि देव और राधिका का रिश्ता ना बन सके। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये कपड़े, ये घाव, ये कीचड़, ये सब सबूत ही है राधिका। इन्हें तो तुम खुद भी गंदा कर सकती हो। अगर तुम्हारा कहा सच है तो राधिका की साड़ी पर भी दाग होना चाहिए। पर कपड़े तो बिल्कुल साफ है। तुमने घर आने से पहले साड़ी बदली होगी। बदली है, लेकिन घर आने से पहले नहीं, मंदिर जाने से पहले। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बरखा राधिका पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है। वही तो मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि मैं राधिका पर झूठा इल्जाम क्यों लगाऊंगी। ताकि तुझे राधिका को माफ ना करना पड़े, ताकि देव और राधिका का रिश्ता ना बन सके। तू सच में बदल गई है राधिका। अगर मुझे तुम दोनों के बीच दूरियां बढ़ानी होती तो क्यों करवाती तुम दोनों की शादी? क्यों झूठ बोलती तुम दोनों से कि दादाजी तुम दोनों की शादी के लिए मान गए हैं? मंडप में तो मुझे बिठाया जा रहा था ना तेरी जगह। आज मैं इस घर में सिर्फ देव की बिन ब्याही पत्नी बनकर हूं और कुछ नहीं। नहीं बरखा, तुम इस घर की सब कुछ हो। मैं नहीं जानती क्या सच है क्या झूठ, लेकिन मुझे यकीन है बरखा के मन में कोई लालच नहीं है। अरे इसे एक नहीं, कई मौके मिले थे देव की पत्नी बनने के। लेकिन इसने हमेशा अपनी मर्यादा बनाए रखी, हमेशा इस घर की भलाई के बारे में ही सोचा है। बिल्कुल सही जा रही हो बरखा। भले ही राधिका सही हो और तुम गलत, पर तुम्हें राधिका को कभी माफ नहीं करना है। तभी तो मैं और राधिका हमेशा हमेशा के लिए एक हो पाएंगे। देव, माँ ठीक कह रही, भला बरखा को ये सब करके क्या मिलेगा? ये रोहन मेरी तरफदारी क्यों कर रहा है? ये तो उस नकली राधिका के साथ है। मुझे संभल जाना चाहिए, कहीं रोहन का मेरी तरफदारी भी इन दोनों की कोई चाल ना हो। मैं मानता हूं बरखा कि तुमने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, राजपुरोहिती के लिए बहुत कुछ किया है, जो हम कभी नहीं भूलेंगे। पर आज मेरे लिए राधिका पर अविश्वास करना नामुमकिन है। आप ऐसे पक्षपात नहीं कर सकते देव। मैंने अपनी पूरी कहानी आपको बताई सबूतों के साथ। अब राधिका को अपना पक्ष रखना होगा सबूतों के साथ, तभी न्याय हो पाएगा। ठीक है, राधिका की भी बात सुनी जाएगी। बताओ राधिका, तुम्हारे हिस्से का सच क्या है? सच आप जान चुके हैं, पर शायद इस बार भी आप राधिका पर विश्वास नहीं करने वाले हैं पिछली बार की तरह। राधिका, पिछली बार तुम्हारे खिलाफ सबूत थे। सबूत, गवाही, दलीलें सब झूठे हो सकते हैं, जो सच है वो यहां सुनाई देता है। इस बार राधिका अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं देगी। आप अपने दिल से पूछिए,
अगर आपके दिल को लगता है कि मैं गलत हूं तो मान लीजिए, अगर आपका दिल कहता है मैं सही हूं तो विश्वास कर लीजिए। निर्णय आपके हाथों में है, आपको तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत। इस बार मेरा विश्वास तुम्हें लेकर बहुत मजबूत है, अब इसे कोई नहीं तोड़ सकता। मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूं, अब दूसरी बार नहीं खो सकता। अगर आपके दिल को लगता है कि मैं गलत हूं तो मान लीजिए, अगर आपका दिल कहता है मैं सही हूं तो विश्वास कर लीजिए। निर्णय आपके हाथों में है, आपको तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत। ऐसे तो देव कभी राधिका को गलत नहीं समझेगा, क्या करूं? देव, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं, है ना? तो ठीक है, मैंने कर दिया राधिका को माफ। अब आप खुशी से अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू कीजिए राधिका के साथ, मगर ऐसा होने पर मैं ये घर छोड़ दूंगी। आपने मुझे सूर्यास्त तक समय दिया था ना, मैं आपको सूर्योदय तक समय देती हूँ। मेरी हालत आपके सामने है, जिससे साफ साफ साबित हो रहा है कि राधिका ने मुझे मारने की कोशिश की है, और राधिका कोई सबूत पेश भी नहीं कर रही है और आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। पर फैसला आपको लेना है। अगर आपने गलत निर्णय लेते हुए मुझे झूठा ठहराया तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हारी बात तो क्या, तुम्हारे कहे एक शब्द पर भी विश्वास नहीं है। अगर आपने गलत निर्णय लेते हुए मुझे झूठा ठहराया तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये मैं क्या बोल गई, मुझे देव के सामने ऐसी शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। अगर कल देव उस नकली राधिका के प्यार में उसे स्वीकार कर लिया, मुझे अपनी ही कही बात के कारण घर छोड़कर जाना पड़े तो मैं क्या करूंगी? मैं देव को नहीं छोड़ सकती, देव को नहीं छोड़ सकती। मैं गुस्से में आके कुछ भी बोल गई, मैं देव से, अपने प्यार से दूर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं तो। ये सब क्या है? बरखा मेरी बात तो सुनो, तुम रुक जाओ। तुम कहीं नहीं जा रही, सुना तुमने? तो और मैं क्या करूं छोटी माँ, मेरी सबसे अच्छी सहेली मुझे मारने की कोशिश कर रही है, देव को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, इसका ये सिला मिल रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। बरखा, तुमने जो किया है ना, वो कोई और नहीं कर सकता, राधिका भी नहीं। आपके कहने से क्या होगा छोटी माँ, देव को मेरी बात पर यकीन ही नहीं है,
मुझे पर इल्जाम लगाया जा रहा है। अभी उनके हाथ में है कि वो मुझे रोकना चाहते हैं या हमेशा के लिए इस घर से दूर कर देना चाहते हैं। तुम बार बार घर से दूर जाने की बात क्यों करती हो? तुम्हारे बिन यह घर कुछ भी नहीं है बरखा। ऐसा सिर्फ आपको लगता है छोटी माँ, पर किसी को नहीं। मैं हूं ही क्या इस घर की? तुम राजपुरोहितायन हो, अगर तुम चली गई तो उस पद का क्या होगा? लोगों से क्या कहेंगे, कहाँ चली गई उनकी राजपुरोहितायन? ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? आप सबसे कह दीजिएगा कि राजपुरोहित ने राधिका को राजपुरोहितायन चुन लिया है। कल सूर्योदय के साथ देव अपना फैसला सुनाएंगे और अगर वो मेरे खिलाफ रहा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। बहुत सह लिया छोटी माँ, बर्दाश्त नहीं होता। नहीं बरखा, बाबूजी के जिस वचन को निभाने के लिए देव ने तुम्हें राजपुरोहितायन बनाया था, देव वो वचन नहीं भुला सकता। ये राजपुरोहित परिवार के सम्मान की बात है, देव अपना राजपुरोहित धर्म नहीं भुला सकता। नहीं भुला सकता वो। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश मैं एक छोटा बच्चा ही होता, जिसे दादाजी राह दिखाया करते थे। ये रामचरितमानस भी मुझे उन्होंने ही दी थी। कहा था कि मेरे मन की हर परेशानी का हल है उसमें। जब भी मैं परेशान हूं, आंखें बंद करके एक पन्ना खोलूं और उंगली रख दूं, जिस किसी दोहे या चौपाई पर मेरी उंगली होगी उसी में मुझे मेरी परेशानी का हल मिल जाएगा। पर आपने तो ये खोला ही नहीं। हिम्मत नहीं हो रही राधिका, डर लग रहा है कि कहीं जवाब मेरे सामने ना आ जाए जो मैं सुनना नहीं चाहता। मुझे पता है आपको किन सवालों से घबराहट हो रही है, इसी विषय में मैं आपसे कुछ कहना। नहीं राधिका, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुमसे कोई सवाल पूछना चाहता हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुमसे कोई जवाब नहीं चाहिए। पर बरखा को तो चाहिए ना। पर मुझे नहीं चाहिए राधिका, क्योंकि मैं इतनी बात समझ चुका हूँ, सवाल वही होते हैं जहाँ संदेह होता है, और संदेह वही होता है जहाँ अविश्वास होता है, और मेरे मन में कोई अविश्वास नहीं है। अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो बरखा का संदेह कैसे दूर होगा? वो मैं नहीं जानता राधिका, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे तुम्हें लेकर जो विश्वास है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, कोई हिला भी नहीं सकता। जब राधिका पर पहले ये आरोप लगा था तब शायद ये विश्वास नहीं था, तभी तो। तब भी विश्वास था राधिका। मैं मानता हूं कि मेरा विश्वास कमजोर था, मेरे डगमगाते हुए विश्वास को तुमने ही सही राह दिखाई है राधिका, तुमने ही उसे मजबूत बनाया है। अब ये विश्वास कभी नहीं टूटेगा। अगर ऐसा है तो मन अशांत क्यों है? अक्सर मेरे मन का विश्वास और मेरा राजपुरोहित धर्म एक जैसे ही निर्णय लेते हैं, पर आज अचानक इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। मेरा मन अशांत इसलिए है क्योंकि जब भी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है तो एक नया तूफान सामने आ जाता है। पर एक बात याद रखना राधिका,
इस बार मेरा विश्वास तुम्हें लेकर बहुत मजबूत है, अब इसे कोई नहीं तोड़ सकता। मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूं, अब दूसरी बार नहीं खो सकता। फिर आप कल क्या निर्णय लेंगे? पता नहीं, पर मैं ऐसा कोई निर्णय नहीं लूंगा जिसे मेरे विश्वास को ठेस पहुंचे। भगवान राम को भी न चाहते हुए एक बार सीता मैया को घर से बाहर निकालना पड़ा था अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए। आज तक वो निर्णय गलत माना जाता है और मैं ऐसा कोई निर्णय नहीं लूंगा। मैं जो भी निर्णय लूंगा अपने मन के विश्वास और राजपुरोहित धर्म को साथ रखकर ही लूंगा। मैं ये रामचरितमानस को फिर से पूजा घर में रख के आता हूं। भगवान ने मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। आपने भगवान से प्रश्न नहीं किया, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है। अब इस बात पर कोई संदेह नहीं कि आप सही राह पर हैं, क्योंकि आपको स्वयं पर विश्वास है, अपने विश्वास पर विश्वास है।